गुड मॉर्निंग। अभी ना सुबह उठने का कोई जल्दबाजी नहीं रहता है, जब नींद उड़ता है तब उठते हैं। तो माँ बेटे साथ में उठ के फ्रेश होके बैठे हैं। किट्टू को दे दिए थे हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स खाने के बाद हम अपने लिए घोल रहे थे सत्तू। तो मुझे ना नमक देके पसंद है और मेरी माँ मुझे चीनी दे गई, तो आज हम चीनी देके पी रहे हैं और साथ में नींबू गाड़ के, तो फटाफट से पी लेते हैं। और उसके बाद ना मुझे आज बैंक भी जाना है, पैसा इतने सारे पैसे दे के लग रहा है ना कि पेमेंट आ गया। बाय बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषि शानी। आई होप कि सब मस्त होंगे। बाय बाय। तो बाय बाय समझ में आया। सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब लीजिए, सब्सक्राइब। किट्टू चलो एक चीज दिखाते हैं आपको, आ जा। बड़ा सा। तो फ्रेंड्स इतने सारे पैसे कहाँ से आए वो आप लोगों को बताएंगे जब हम बैंक जाएंगे। और ये ना कटहल मेरी बगल वाले जो मेरी फ्रेंड है ना उनके घर से मांग ली थी हमारे घर ले जाने के लिए। मेरे घर का गाछ का कटहल था, शायद ख़त्म हो गया था, तो हस्बैंड आ रहे थे मुझे छोड़ने के लिए, तो हमने माँ को जाने से मना कर दिया था। माँ तो गई नहीं थी, फिर बोली थी कि ठीक है हस्बैंड का तो भेजा तो ससुराल पे। फिर मेरी सासू मम्मी ने बोला कि नहीं हम तो नहीं खाते हैं और ना ही मतलब उतना इंटरेस्ट है ये सब खाने में, तो मत भेजा करो, तो भेजे नहीं थे। तो उसके बाद बेकार में रह रहे कि ख़राब होने से अच्छा है कि खा लो, तो हम आज फाड़ लिए। और ज़्यादा तो खाना अच्छा नहीं लगता है, बस 5-6 पीस से मेरा मन ही भर गया था। उसके बाद देखो आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हम लोग जो कोलकाता से आए थे ना बहुत सारा कपड़ा हो गया था और बारिश के चलते धो नहीं पा रहे थे, हर रोज़ बारिश हो रहा था। आज थोड़ा सा हल्का हल्का धूप निकला है, तो हम सोचे क्यों ना पहले जो काम है वो धो लेते हैं, बाद में चलते हैं बैंक। और देखो मेरे घर के पीछे जो बहुत बड़ा सा पोखर है ना, ये हम लोगों का ही है, मतलब चाचू का पापा का, मतलब सारे का एक साथ में है। ये रहा मेरा घर के बाहर, और साइड में देखो मेन रोड गाड़ी जा रहा है पीछे से। कैमरे जब इधर करेंगे ना तो दिखाई देगा अच्छे से। और यहाँ पे ना वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बात बहुत कम कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे गाड़ी इतना ज़्यादा चलता है ना, बात के पीछे पॉप पाप भैम भाप ऐसा होता है कि देखो अभी फिर से गाड़ी जा रहे हैं, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, थोड़ा सा कम गाड़ी है, पर दिन भर जो भी बात करेंगे ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वॉइस ओवर कर ले और रियल जो वॉइस होता है वो थोड़ा कम दे। तो किट्टू के लिए आ गया था स्पेशल फीस, बाटा वाला फीस, बड़ा आया था घर के सबके लिए, और किट्टू के लिए आया था छोटा सा, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और किट्टू को फीस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने इसको फ्राई कर लिया है, इसका अलग से बना देंगे, माई बनाएगी सब्ज़ी, क्योंकि मुझे अब चलना है मार्केट। तो किट्टू को नहा धो के तैयार कर दिए थे, वो खाने आया है तो वो मामा का प्लेट देख रहा है कि मामा के पास पीस वाला फीस और उसके पास बड़ा बड़ा फीस, तो वही पूछ रहा था। और सारा टॉयस लेके वो बैठा हुआ है, और सारा का टॉयस आने के साथ साथ ए वाला टॉयस का माथा ही उड़ा दिया, मतलब पूरा घुमा के इधर कर दिया है। और ये सब ने मेरी बहन का जो बेटा है उसका टॉयस सब रखा हुआ था, वही लेके वो खेल रहा है। हम लोग हो गए थे तैयार मार्केट जाने के लिए। अभी बज रहा है 3:10:15 होता होगा, पर बाहर में ना बारिश हो रहा है। और किट्टू को भी तैयार कर दिए हैं, किट्टू का लुक देखो इतना प्यारा लग रहा है, पैंट जो है थोड़ा सा शॉर्ट है और येलो टी शर्ट है जो न्यू उसके पापा लाके दिए थे। और देखो खुद तैयार होके मम्मा जो तैयार हुई थी ना उसको ख़राब कर रहा है, बदमाश। जैसे ही निकले बैंक जाएंगे, मुझे थोड़ा सा काम था, ऐसे आ गया बारिश। किट्टू भी तैयार होके बैठा हुआ है, बारिश छुट्टी का चलते हैं, नहीं तो देखते हैं छाता लेके ही चलते हैं। किट्टू मामा को बुला के लेते हो, मामा को बुला के लेते हो, जाना तो है ही, 4 बजने वाला है। बोर हो रहे हो, गुरुगुरु जाना है, बारिश छूटेगा तब ना। किट्टू का लुक आज का कैसा है बता, एकदम एक नंबर है ना बेटा।
रहने दो, पता नहीं कीड़ा ने बासा लगाया। फाइनली बारिश तो छूटा पर हो गया है साढ़े चार। साइकिल ना हेटे चल। हाँ और बच्चे के लिए बता ले ओमा बोला साइकिल देखे आते आ जा किट्टू आ जा आराम से इतना पैसा देख के लगता है ना कि YouTube का पेमेंट आ गया 10,000 है। और ये पैसा ना हस्बैंड को भेजना है, वो देंगे देवर को। तो उन लोगों का ही कोई काम का चक्कर है, बस में हम फंस गए हैं इसी लोगों के बीच में। तो मुझे हर रोज़ बैंक आना पड़ रहा है, बैंक का काम निपटा के मां दी थी। कुछ सामान लाने के लिए तो हम आ गए थे दुकान पे, वही सब सामान ले रहे थे और क्योंकि हम कर रहा था बदमाशी। चलो अब घर चलते हैं और क्या क्या लिए हैं घर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। वैसे तो व्हील्स अब हम घर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम बोले अंकल कोई भी अच्छा वाला सर्फ दे दीजिए, वो बोला कि सफ़ेद अच्छा होता है लेते जाओ। तो हम फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, मुझे नहीं पता कैसा है, यूज़ करने के बाद बताएंगे कैसा है। तो बाकी उसके बाद लिए थे हम लोग प्योर कोकोनट ऑयल, और बर्तन धोने के लिए तार ब्रश था एक, और शैम्पू, और था मार्गो साबुन जो नीम का साबुन, वो हम अपने लिए लेते आए थे। और बाकी लाए थे चाउमीन, क्योंकि ये चाउमीन ना बिहार में नहीं मिलता है और ये जब बनता है ना बहुत टेस्टी लगता है, नूडल्स से ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगता है ये। तो फ्रेंड्स हो गया था रात और किट्टू को आ गया था बुखार, और बहुत ज़्यादा ना वो इरिटेट हो रहा था, पता नहीं क्यों उसका आज तबीयत इतना ख़राब लग रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था और खाना भी नहीं खाना चाह रहा था। तो हम बिस्तर कर रहे थे, माँ बोली थी हम लोगों को ना दूसरे रूम पे रहने के लिए जो रोड साइड है, और एकदम रोड साइड वाला रूम पे। तो हम बोले नहीं मुझे वहाँ नहीं रहना, वहाँ पर गाड़ी का आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है और देख रहे ही रहे हो कितना गाड़ी जाता है, इससे भी ज़्यादा आवाज़ वहाँ पे आता है। हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे ना ब्लॉग बना पाएंगे, और ऊपर से वो ना ऐसे साइड का रूम हो जाता है कि मुझे वहाँ पे डर भी लगता है। तो हमने बोले कि नहीं मुझे हम यहाँ पे कंफर्ट है, हम एसी रूम पे रह जाएंगे। तो बोले ठीक है जहाँ मर्जी वहाँ रहो। तो बिस्तर कर दिए थे, किट्टू को पूछ रहे बार बार कि कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, और कुछ बोल नहीं रहा, बस चटपटा रहा है। और ये जो अलमारी दिख रहा है ना मेरा अलमारी है, पर अभी ये मेरा नहीं है। माँ मुझे पहला बोली थी कि अलमारी लेने के लिए तो हम यहीं पे ख़रीद लिए थे, पर यहाँ से ले जाना तो पॉसिबल है नहीं, पर वहाँ पे हमने ले लिया है अभी। और ये बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा है ना, इसको भी एक दिन समेटेंगे, सारा कुछ ठीक ठाक सेट करेंगे। तो किट्टू को हम दवाई खिला रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा है ना, ये दवाई से था शायद थोड़ा सा उसको अच्छा फील हो। और पापा के बिना तो दवाई बिल्कुल नहीं खाना चाहता है, जैसे जैसे भुला के हमने दवाई खिलाया ज़बरदस्ती, उसके बाद उसको सुलाए थे। और यहीं पे अपना ब्लॉग एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट डे।